हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है हम मणिकरण में। तो यह है मणिकरण का बस स्टैंड। तो यहाँ हॉट वाटर का जो है गर्म पानी है यहाँ पे, और गर्म पानी के जो है चश्मे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं मणिकरण का व्यू। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो चैनल में नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है गाइस मणिकरण का ब्रिज। तो यहाँ पर नदी है, तो ये पार्वती नदी है। यह है मणिकरण की मार्केट। पिछले कल गाइस हम गए थे सोलांग वैली, अटल टनल और कोकसर। तो आज हम आए हैं मणिकरण। तो इसके बाद हम जाएंगे कसौल। तो बहुत ही अच्छी जगह है कसौल और मणिकरण। तो अभी हम मणिकरण के बाज़ार में हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। यहाँ पर है प्राचीन राम मंदिर और साथ में यहाँ पर धर्मशाला भी है। तो यहाँ पर है प्राचीन मंदिर भगवती नैना माता का, तो जो कि बहुत ही पुराना है और पूरा वुडिंग का बना है गाइस। तो तीर्थ स्थल है मणिकरण, तीर्थ स्थान के नाम से विख्यात है। बहुत ही अच्छी जगह है, ओसम पैलेस है। जय माता दी। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं गर्म पानी, किस तरह से पानी उबल रहा है आप देख सकते हैं। यह भी एक चमत्कार है यहाँ का, एक जो कि सदियों से चला आ रहा है। तो इस पानी में आप जो है आलू बॉईल कर सकते हैं, आप इसमें चावल पका सकते हैं। तो यहाँ देखने का एक अनोखा अवसर है, ये बहुत ही सुंदर। शायद ही ऐसा आपने देखा होगा, इतना गर्म पानी, जो ये भाप है ये भी इतनी गर्म है। तो बहुत ही गर्म है गाइस। तो इसी तरह के जो है गर्म पानी के, हॉट वाटर के यहाँ पर जो चश्मे हैं, तो सदियों से है ये यहाँ पे। तो एक चमत्कारिक है। तो अभी और भी है, तो बने रहें, आगे आपको और दिखाते हैं। प्राचीन मंदिर श्री रघुनाथ जी का महाराज मणिकरण, तो यहाँ पर भी है। बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से जो है एंट्रेंस शुरू होता है अंदर जाने का। तो ये मेन गेट है। माता दी। हाँ?
हेलो बन रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही सुंदर टेंपल है यहाँ पर। ये आप क्या कर रहे जी, क्या गर्म कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है गर्म क्या कर रहे हैं? Sorry, can you tell me English? No, what are you doing? Oh, okay. They are selling chana and rice. If you put inside this hot water for 15 minutes, it will be boiled. I know, okay, understand. तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है एक वेट कर रहे हैं, इतना भाप है इस पानी में और इतना ताप है, आप देख सकते हैं। और सामने गाइस मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पानी के बुलबुले। तो यहाँ पर पकने को डाला है नीचे, तो नीचे चावल डाले हैं यहाँ पर सभी, बहुत ही ओसम है गाइस। तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर महाकाल जी का बहुत बड़ा स्टैचू, हर हर महादेव। कितना मिनट हो गया आपको डाल के इसको? 10-15 मिनट रखना पड़ता है। अच्छा, 10-15 मिनट में जो है यहाँ पर बॉईल हो जाता है। चना बॉईल कर सकते हैं आप, अंडा बॉईल कर सकते हैं आप। अंडा नहीं होगा बॉईल, अंडा नहीं होगा, अंडा कौन डालने देगा इधर, ये भगवान का जगह है ना। अच्छा, अंडा नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पर वेज की आइटम, आप आलू पोटैटो, आप चावल राइस आप यहाँ पर पका सकते हो बड़े इजीली। जय भोलेनाथ। यहाँ पर भी है भोलेनाथ जी का टेंपल। तो साथ में यहाँ पर नंदी जी के कानों में जो है श्रद्धालु लोग अपनी इच्छाएं, अपने मनोकामना बता रहे हैं। यहाँ पर स्थान भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कितना भाप आ रहा है नीचे से, बहुत ही भाप है गर्म पानी के से जो भाप उठ रही है। तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा पार्क हो, और ये है पार्वती नदी। तो यहाँ पर गाइस ये भी गर्म पानी है। तो यहाँ पर हर जगह गर्म पानी है, जहाँ भी हाथ डालो गर्म ही गर्म है, ये पूरा गर्म है पानी। यहाँ से अंदर को रास्ता है, वोट करते
यहाँ पर जो है जेंट्स के नहाने का स्नानागार है यहाँ पर, और अंदर को लेडीज का है। यहाँ पर हर जगह गर्म पानी के स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है ये, अपने आप निकल रहे हैं गाइस। तो वो गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म पानी किस तरह से जो है नदी में बह रहा है। तो पानी का भाप वहाँ तक ऊपर तक उठ रहा है, तो एक अनोखा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज पहली बार मुझे भी ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। यह है गाइस यहाँ का प्राचीन श्री राम मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है ये। तो साथ में यहाँ पर है बजरंगबली जी का, महाबली जी का मंदिर। तो ये थी गाइज आज हमारी मणिकरण की यात्रा, जो आज हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद हम जा रहे हैं कसौल, तो वो ब्लॉग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली कसौल वाली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम, जय श्री राम, जय वीर सिंह, बाय बाय।